विश्व हिंदू परिषद महानगर मुरादाबाद अध्यक्ष प्रभात गोयल के दिशा निर्देश अनुसार अमित गुप्ता उपाध्यक्ष एवं टाउनहाल प्रखंड पालक के आदेश अनुसार अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम टाउनहाल प्रखंड अध्यक्ष नवदीप कुमार सिंह के निवास पर आयोजित किया गया, जिसमें मान्य विभाग अध्यक्ष भवनीत सेगर का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर महानगर सह मंत्री मोहित सक्सेना एवं महानगर सह मंत्री अनिल कटेरिया ने भी सभी का मार्गदर्शन किया एवं संचालन बजरंग दल सह संयोजक अभिनव ने किया। इस मौके पर टाउनहाल प्रखंड के सभी विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या नाम आपका? भवनी सिंह सेंगर, विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद। जी, क्या कार्यक्रम है आपका? ये आज हम अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, सब अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सब कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, और उसी अखंड भारत के का संकल्प लेने के लिए हम सब लोग आए हैं। तो क्या निर्णय है? अखंड भारत संकल्प दिवस 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो इस आज़ादी की खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ा दंश भी हम लोगों को, भारतीयों को मिला कि 14 अगस्त की रात को 12 बजे तक भारत अखंड था, पूरा एक भारत था, किंतु उसके बाद 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे के बाद एक अलग देश अस्तित्व में आया, पाकिस्तान, और जो पहले दिन से इस्लामिक देश बना। ये भी तय है कि ये विभाजन हिंदू मुस्लिम के नाम से हुआ, और पहली बार ऐसा विभाजन नहीं हुआ। इससे पहले भी अनेकों बार भारत की सीमाओं का अतिक्रमण हुआ, भारत का अनेकों बार विभाजन हुआ, इसके बाद भी हुआ, आखिरी बार भी नहीं था। इसके बाद कश्मीर में जो धारा 370 लगाई गई, एक तरीके से उनको अलग झंडा उनका था, तो वो भी एक विभाजन हुआ हमारे साथ। हमारे लाखों हिंदू, कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से रातों रात भगाया गया, पाकिस्तान से लाखों हिंदू, लाखों सिखों को वहाँ से भगा दिया गया। तो उसी जो खंडित हो गया भारत, अब उसी भारत को, अखंड भारत की परिकल्पना को सोचते हुए विश्व हिंदू परिषद इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और संकल्प लेते हैं प्रतिवर्ष कि हम जब तक भारत पुनः अखंड नहीं हो जाएगा तब तक हम इसके प्रयास में लगे रहेंगे।